आज भी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज है संडे का दिन एज यूजल, और आज मूड है करोलबाग जाने का। आज आप भाई लोगों को थोड़ी सी वहाँ की मार्केट के दर्शन कराते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ मिल रही है, कैसा माहौल है। तो आओ चल। तो जो करोलबाग है ना, वो करीब यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। और कोशिश तो मेरी यही जाती है कि मैं करीब आधा घंटे में पहुँच जाऊँ। और वहाँ पर पार्किंग का सबसे ज़्यादा मेजर इशू होता है। पार्किंग भी वहाँ पे कम से कम 100-150 रुपये की मिल जाती है। और मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पे पार्किंग थोड़ी सी सस्ती है और आराम से गाड़ी सेफ लग जाती है। आई विल शो यू। और अपने इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं आपको वो पार्किंग का एड्रेस बताऊँगा। वैसे तो करोलबाग में 3-4 पार्किंग्स हैं, लेकिन जो बेस्ट पार्किंग मुझे लगी है थोड़ी सी दूर है, करीब 3-4 किलोमीटर दूर है, पर लेकिन मेरे के हिसाब से तो वो सबसे बेस्ट प्लेस है जहाँ पर आप सेफली गाड़ी को खड़े कर सकते हो और उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। और फैमिली है तो उस प्रोस्पेक्टिव से भी ठीक है। वैसे तो आप ओपन पार्किंग भी लगा सकते हो, वो लोग 100 रुपये या 150 रुपये चार्ज करते हैं दिन के हिसाब से। जैसे संडे संडे का बिजी दिन होता है। तो लेट्स सी, अब आपको मैं अपनी राम पैरी दिखाता हूँ। मेरी राम पैरी सामने खड़ी है और तैयार खड़ी है। इसका दरवाज़ा खोल देता हूँ मैं आपके सामने, और अंदर बैठते हैं आप। खुल गया सिम, आ गई मेरी राम प्यारी। चलो भाई लोगों, मिलते हैं फिर करोलबाग, पहुँचते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं आपको। लो भी दोस्तों, करोलबाग आने वाला है, बस 5-10 मिनट में हम लोग पार्किंग में पहुँच जाएंगे। ये आ गया है हनुमान मूर्ति वाला गोल चक्कर। से हम सीधा एंट्री मारेंगे करोल बाग वाली रोड में। अच्छा, बंद क्यों लग रहा है? कम भीड़ लग रही है, चक्कर क्या है? नई गाड़ियों में सीट कवर लगवाते हुए लोग। ये मेन जो मार्केट है ना, ये सारी कार मार्केट है। यहाँ पे नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई एक्सेसरीज लगवाते हैं लोग। ये सारे होटल्स हैं। ये नई गाड़ियों में एक्सेसरीज लगाते हुए, ये कार एक्सेसरीज की शॉप है। और यहाँ पे हर तरह की मटेरियल मिल जाएगा कार एक्सेसरीज में। स्टीरियो है, ये देखो स्पोर्ट्स हेलमेट है शॉप। किसी को अपनी बाइक के लिए नया हेलमेट लेना हो वो ले सकता है। ये और शॉप्स की सीरीज है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक्सेसरीज की कतार से दुकानें हैं। लोग अपनी गाड़ियों को सजाते हैं यहाँ पे। बॉबी जी सोते हुए मुंह खोल के, मक्खी घुसी हुई है मुंह पे। तुम्हारी ऐश है, आराम से गाड़ी में सोते जाओ बॉबी सिंह। गाड़ियों में नए नए पार्ट्स, नई सीट कवर्स, नए म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स। आप आवाज़ करो, यहाँ पर मार्केट में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सब मिलेगा यहाँ पर। पूरी मार्केट जो है ना एक्सेसरीज की शॉप से भरी भरी है, लाइन से कतार से लगी हुई है दुकानें पूरी। ये जो पार्किंग है, न्यू दिल्ली डेवलपमेंट कमीशन NDMC की पार्किंग है, जो कि गोल चक्कर के पास है, जो कि ऑलमोस्ट खाली रहती है हर वक्त पर। लेकिन आज पता नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा लग रही है, तो डर है कि पता नहीं गाड़ी की पार्किंग मिलेगी भी या नहीं। यहाँ पे जो है ना रिंकू है कार एक्सेसरीज वाला, जो कि कार एक्सेसरीज लगवाता है। तो आज हम वहाँ लगा रहे हैं गाड़ी, देखते हैं पार्किंग में लगा रहे हैं। हाँ छोड़ देंगे यार, कहाँ लगा दें, बाहर ही लगवा दी यार, कहीं पे आ जाएंगे थोड़ी देर में। पर
मैं कह रहा कोई बाहर की साइड ही बता दियो पार्किंग जा रहा, अंदर मत लगवाइयो, अंदर मत लगाइए, थोड़ा साइड बाहर की तरफ लगवा दो। अच्छा तो जी आ गया है ये हमारी करोल बाग की पार्किंग, और उतरे अब हम गाड़ी से, सामान ले लिया, पार्किंग की जगह नहीं है भाई साहब, खुद ही गाड़ी लगा देंगे। ध्यान से लगा दिया भाई गाड़ी। अरे ये आ गई है करोल बाग मार्केट, गाड़ियों की एक्सेसरीज की मार्केट, गाड़ियों की बाहर, और इसमें यहाँ देखो ये जो है सारी मार्केट जो है लोग झगड़े लग रहे हैं। शीशा तोड़ झगड़ा हो रहा है, वो फुल हाई वॉल्यूम ड्रामा। ये पार्किंग आई चला, ये सारी की सारी जो मार्केट है ये एक्सेसरीज की मार्केट है, खाने पीने के स्टॉल्स, जिसको भूख लग रही है वहाँ अंडा करी वगैरह खा सकता है यहाँ से, और इन्जॉयमेंट कर सकता है। थोड़ा सा क्राउडेड एरिया है पर लेकिन सर्वाइव करना पड़ता है भाई, क्या करें, हर जगह ट्रैफिक ट्रैफिक, संडे है ना इस वजह से ट्रैफिक है खूब, और ट्रैफिक में लोग इन्जॉय भी करते हैं। पुलिस सिक्योरिटी का पूरा प्रबंध है, थ्री व्हीलर वाले रास्ता निकालना पड़ता है यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि जहाँ मर्जी घूम लिए, तरीके से निकलना पड़ता है। ये करोल बाग की पार्किंग में लगाने के लिए ₹100 पार्किंग रेट चल रहा है, और ये है मार्केट का नज़ारा, फुल रश है, आज संडे है और लोग शॉपिंग को एंजॉय करते हुए, यहाँ का नज़ारा देखो और अब इधर का देखो नज़ारा, ये तो खैर स्ट्रीट मार्केट फुल स्टॉल्स लगे हैं। ये है मेन मार्केट, इसको कहते हैं गफार खान मार्केट, अजमल खान रोड है ये वाले, ये सारी मोबाइल मार्केट है और यहाँ पर जितने भी मोबाइल हैं सारे बनते हैं, रिपेयर करा लो जो मर्जी करा लो, सब काम होता है यहाँ पर। और अगर इस तरह घुमाया जाए तो ये भी, ये सारे मोबाइल्स के डीलर्स हैं, चार्ज खा लो जो मर्जी खा लो, सब काम होता है यहाँ पर। अभी मैं जो है आपको मोबाइल के जो टिपटॉप मार्केट है ना वो दिखाता हूँ, इसमें जो है तो सारी की सारी डेकोरेटिव मार्केट है, सजावट का सामान सारा जो है यहाँ पर मिलता है, सारी क्रॉकरीज वगैरह, कप्स की रेंज है यहाँ पे बढ़िया। सारे क्लॉथिंग सेक्शन है, देख लिया था बट वो तो टेबल पर रखने वाला नहीं।
अभी तो आपने 50 बोला था, प्लेन वाले को बोला था। ये सारी इम्पोर्टेड क्रॉकरी है, प्लांटर्स, ये आइस क्यूब बकेट है, ये सारा थाईलैंड का सामान है इनके पास वुडन में। ये वाला फेस मास्क डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, वुड एक्सेसरीज है। ये कितना है इसका प्राइस? एसेंस वाला है ना, इसमें वो अगरबत्ती लग जाती है। 250 रुपीस। मैम ये 20 पैकेट हो गए आपके पेंसिल के, 25 पैकेट। उसमें कलर डेकोरेटिव्स हैं ये वाले सारे। उसमें कलर्ड वाले पेंसिल कितने और ब्लैक वाले कितने करने हैं? उसमें तो दो तरीके का है ना, एक तो है ब्लैक। इसकी दुकान की जो लोकेशन है मैं डाल दूंगा, करोल बाग को फार्म मार्केट के अंदर आई है फोन। ये बकेट का प्राइस कितने का? ये बकेट कितने की है? 500 बकेट, आइस बकेट सब लगा रहे हैं। फ्लावर्स ये वाला और ये सारे स्टैंडर्ड आइटम्स, वॉल क्लॉक, ये सारी क्रॉकरी है, इम्पोर्टेड क्रॉकरी। ये सारे प्रोडक्ट्स जो है ना इम्पोर्टेड जा रहे हैं। ये वाले अब ये वाले दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट, ये अंडरग्राउंड मार्केट है और इसमें भी यहाँ की मार्केट दिखाते हैं। मार्केट में ये सारे ब्रास एंटीक्स हैं, गॉड फिगर्स, क्रॉकरी फॉर रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए। ये मटेरियल कौन सा होगा? है मेला महीने ये वाले जो है आइटम्स हैं, मत बनाएंगे सारी क्रॉकरी है, इम्पोर्टेड क्रॉकरीज। आपको जो भी रेंज चाहिए ना आपको रीजनेबल प्राइस के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। स्टेशन कमाल वाला जो है, ये तीसरी मार्केट जो है ये है आर्ट एंड क्राफ्ट की मार्केट। तो यहाँ पर जो है गली जबकि मैक्सिमम
प्रोडक्ट जो है सीनरीज वगैरह ज़्यादा मिलती हैं यहाँ पे, पेंटिंग सीनरीज, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो भी मतलब अच्छी मार्केट है, और शायद वो तीन लेवल मार्केट है, थ्री लेवल्स की मार्केट है, जिसमें आपको प्रोडक्ट्स वगैरह जो है अच्छे ढंग से मिलते हैं। मोबाइल है, ये वाली मार्केट है। और मार्केट में इनके इम्पोर्टेड एंड एक्सक्लूसिव रेंज भी अराउंड 8-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट है। गन्स भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे। भैया ये शोपीस है क्या ये वाला गन? हाँ, क्या रेट में हो गई है? 2500। मेटल है ये? मेटल के अंदर पीस बना हुआ है ये गन शेप के अंदर, ब्यूटीफुल। कितने तक में कुछ है? 2500। मेटल के अंदर थिंग्स है सारी, टिन मेटल यूज किया हुआ है इन्होंने। आता हूँ मैं थोड़ी देर में, आता थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ा देख लो उधर वैरायटी। शॉप तो ऊपर थी पहले, आई बिलीव प्रोडक्ट्स हैं इनके, ये आप देख रहे हो। ये सारा आपका है? ओके। दिस इज ऑल गुड आइटम्स, पेंटिंग्स, तो आप लोगों ने देखा ये जो मार्केट है। अभी मैं ऊपर दिखा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर, इसके अंदर भी जो है इन्होंने जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रखे हैं बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। मैं जब पिछली बार आया था तो मैं यहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके गया था, और यहाँ से लेके गया था मैं पिछली बार प्रोडक्ट्स, तो डिस्प्ले में ये सब इन्होंने पीसेस लगा रखे हैं, कलेक्शंस चेक कर सकते हो। किचन्स की पूरी वैरायटी है इनके पास, कार डिस्प्ले, एक्सेसरीज, स्मॉल जो स्मॉल लेवल के ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहे, किचन्स की फुल कलेक्शन है। स्टफ टॉयज, ये इनके पास विंचेंस, हैंड क्राफ्टेड ऑल ब्यूटीफुल,
और स्मॉल वाला नाइस कलेक्शन है आपके पास भैया। आपकी शॉप किस नाम से पड़ती है? हाँ? आपकी शॉप का क्या नाम है? परव इंटरप्राइजेस। परव इंटरप्राइजेस। हाँ जी, भाई शॉप का नाम है। ये इनके मैनेजर साहब है। अगर किसी भाई साहब को आना चाहता मैं इसके शॉप का लिंक जो है ना इसमें डाल दूंगा, वीडियो के लिंक में। आप यहाँ पर आके कलेक्शन देख सकते हो, बहुत बेहतरीन कलेक्शन है, स्पेशली की चेन्स के अंदर। और जो ये वाला जो ब्रास के अंदर लटक रही है, ये फैंसी का साइन है ये। अच्छा, ये 490 है, 390 है, दो रेट है, 490 एंड 390। इनके पास कलेक्शन है वॉल डेकोरेटिव फ्लावर्स, वो जो स्ट्रिंग लटक रही है ना ये लंबी थी है, विंड चाइम्स, ये लंबी होती है। प्रोडक्शन है ये सारा मैक्सिकन प्रोडक्शन। अभी हम नेक्स्ट जो है ना थर्ड सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं। ये इनकी भाई सब की पेंटिंग्स का सामान है, सारा ये सारी पेंटिंग्स है, सारा का सारा प्रोडक्ट होल सेल है ये। ये सारे फाउंटेंस डेकोरेटिव है, सारे के सारे बोतल फिगरिंग्स हैं सारी ब्रास के अंदर, डेकोरेटिव है सारे, ये सारे का सारा ब्रास के आइटम्स हैं इन्होंने जो भरी हुई है। अगर किसी भाई साहब को आर्चिस का सामान चाहिए तो आर्चिस का सामान भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। ये सारे स्टफ टॉयज कलेक्शन देख सकते हो, सारा होल सेल है। ये शॉप का नाम है होलसेल। वॉल डेकोरेटर्स पेंटिंग्स हैं इनके पास, ये है नाइस कलेक्शन। आगे आई थिंक बंद हो गया, नीचे का सो आपको दिखाया मैंने, पूरी मार्केट कवर करने की कोशिश करी है और इन सब में आपको प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले दिख गई होगी, अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास एंड हाउ चीप एंड होल सेल प्राइस दे आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट्स। ट्रैफिक जाम अभी भी लगा हुआ है। ये नज़ारा देखो मार्केट का, होल सेल शॉप्स, मार्केट में भी जाम लगे हुए। ये शॉप है, इसमें बच्चों का स्पेशली गर्ल्स और बॉयज की कलेक्शन है सारी। भैया ये गर्ल्स के लिए ये वाला, ये कितने का है जैकेट? और इसमें डिज़ाइन और भी मिल जाएंगे? एक मिनट, 5 मिनट वेट करो, मैं अपनी फैमिली के अभी आ रहे ना, अब दिखाता हूँ उनको। मैं टोटो को पसंद ही नहीं आ रहा। और ऊपर सेक्शन कौन सा है, गर्ल्स का है? ए भाई साहब, इतनी बड़ी शॉप है, सारी इम्पोर्टेड वैरायटी भरी हुई है अंदर भी।
पूरा मटेरियल है यहाँ पर भी, मैंने पूरी कलेक्शन लगाई है। क्या नहीं है तो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था 27 का। हाँ अब तो सस्ता हो गया, अब तो 11,000-12,000 का मिल गया। मैंने तो बहुत पहले का लिया हुआ है, 2 साल पहले। अच्छा सही यार, ठीक है। ये है मार्केट करोल बाग, इसको गफार मार्केट भी बोलते हैं। चहल पहल देखो, संडे है आज, लोग खुश हैं, खुल के शॉपिंग कर रहे हैं। और ब्लॉगिंग करते भी हैं? हाँ। चैनल का नाम आपका? नोमेड रेमंड। क्या? नोमेड रेमंड। मैं दिल्ली कैप्चर करता हूँ दोस्त, बाहर का नहीं घूमता मैं। दिल्ली के जितने शहरी मार्केट है सारी कैप्चर करी है, जितने भी है दिल्ली NCR में, जितने भी लोकल मार्केट्स। तो भाई लोगों, अब हो गई है शाम और बस मार्केट के बंद होने का टाइम हो गया है, तो हमारी शॉपिंग भी पूरी हो गई है। और ये जो है, ये मच्छी पकौड़े वाला बंदा है गणेश, और ये बंदा हाथ से पकौड़े निकालता है। और देखते हैं इसके दुकान पर क्या कितने रुपए किलो पकौड़े दे रहे हैं। गरम गरम पकौड़े हाथ से निकालते हुए, दादाजी थे, ठीक है, वो भी ऐसे खोके तेल में हाथ डाल के यहाँ पे भाई पकौड़े निकाल देते थे, ठीक है, इनके पापा जी ने भी ऐसे किया। हमारे सर है दीपक, अभी अभी हमें लाइव करके दिया ₹450 की 250 ग्राम सुरमई मच्छी, ₹350 विद बोन। और ये पैम्फलेट कितने की है? मैं बात करता हूँ। ये कुक साहब है, ये इनके मैनेजर साहब है, ये इनकी शॉप है जनता ढाबा, ये इनका मेन्यू लग रहा है सामने। इस तरह ही हो रही है। आसपास की लोकेलिटी, ये गणेश मच्छी वाला, वो बीकानेर वाले की शॉप है सामने, मेन चौराहा है, बिजी मार्केट है, इजी एक्सेस है, बंदा यहाँ पे आके कभी भी ले सकता है। ये क्या है? ये तंदूरी चिकन, तंदूरी चिकन बन रहा है, ये बढ़िया एकदम फ्रेश जूसी। ये इनका नींबू सैलेड चटनी पैकिंग मसाला। तो ये जा रहे हैं हम लोग घर की तरफ। क्या हुआ मां? तो यूरी है ड्राइविंग और ये जा रहे हैं। हाँ तो भाई साहब, आज हमने पूरी दिन जो है करोल बाग का वीडियो कैप्चर करा है, और आप लोग वीडियो देख के बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा।
हमने ये कोशिश करी है कि ईच एंड एवरी सेक्शन में आपको दिखाया जाए कि कैसे वहाँ पे क्राउड आता है, किस तरह का सामान वहाँ पर मिलता है। और कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको चार पाँच शॉप्स हैं उनकी लोकेशन भी डालूँगा, ताकि आपको वहाँ जाने में आसानी होगी। और नेक्स्ट वीडियो की इंतजार कीजिए, तब तक गुड नाइट।